हम लोग सब लोग मनाली जाते हैं। दिल्ली से जब भी कोई लॉन्ग वीकेंड होता है हर कोई हिमाचल चला जाता है। हिमाचल में मोस्टली लोग मनाली जाते हैं, हम सब लोग गए हैं मनाली। तो मनाली जो भी जाता है वहाँ एक मंदिर है बहुत फेमस, जिसको हम सब लोग गए, जो जो मनाली गया है वो सब लोग वहाँ गया होगा और उस मंदिर में जरूर गया होगा, क्योंकि वो एक एक टूरिस्ट प्लेस है जिसको बोलते हैं हिडिम्बा टेम्पल, हिडिम्बा माता जी का मंदिर। हम जाते तो है वहाँ पे, बट वो कौन है, किसी ने सोचा है कभी? वो कौन है, क्या उसका पास्ट है, क्या बैकग्राउंड है उन माता जी का, कौन है, कहाँ से आए, कब आए? कभी हमारे पुराणों में हिडिम्बा जी का नाम नहीं है, जो नाम है वो कहीं और है। तो हम जस्ट मंदिर चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कौन है किसी ने सोचा नहीं, कभी गूगल करने का ट्राई नहीं करा। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ उनकी, हिडिम्बा माता जी की। जो पांडव थे वो जंगलों में घूम रहे थे एक बार, तो वो रेस्ट करने के लिए एक जगह पे रुकते हैं। बेसिकली वो जो जंगल होते हैं वो मनाली में हिमाचल में होते हैं, मनाली वाली जगह पे। तो वो रेस्ट करने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए सब लोग रुकते हैं, पांच पांडव होते हैं और उनकी मम्मी होती है। तो उस जंगल का एक राक्षस था जिसका नाम था हिडिम्ब। हिडिम्ब उसकी जो बहन थी यानी कि हिडिम्बा, तो जो वो मंदिर है वो बेसिकली पहले हिडिम्बा एक राक्षस हुआ करती थी, असुर। क्या आप लोगों को पता था? मेरे हिसाब से नहीं पता था। मैं आपको स्टोरी इसीलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोगों को पता नहीं है फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो हिडिम्बा माता पहले एक राक्षस हुआ करती थी। तो जब पांडव लोग रेस्ट कर रहे थे, हिडिम्बा माता उनको खाने के लिए आई सबको, बट वहां पे उन्होंने देखा भीम को, जो पांडवों के एक भीम है, जो गदाधारी सबसे ताकतवर, उनको उन्होंने देखा। उनको देख के उनको वो पसंद आ गए, भीम उनको बहुत पसंद आ गए। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कन्या, एक ब्यूटीफुल गर्ल का उन्होंने रूप धारण करा और उनके सामने गई और उनको उन्होंने प्रपोज कर दिया। मतलब कि हिडिम्बा ने भीम को प्रपोज कर दिया और उनको भी पसंद आ गई, भीम को भी, कि मैं तो शादी करूंगा इन्हीं से। तो उन्होंने अपनी माँ को बोला कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। फिर उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में उन्होंने अपना असली रूप धारण करा और तब पता लगा कि ये तो राक्षस है। बट उसके बाद से, जब से भीम से शादी हुई, उसके बाद से उनको पूजने लगे सब लोग और वहां पे उनका मंदिर बनाया गया उसी जगह पे। तब से लेके आज तक हिडिम्बा मंदिर में आज के टाइम में बहुत फेमस है वो माता जी, और उनकी शादी हुई भीम जी से, जो पांडव भीम है हमारे उनके साथ में। इस वजह से वो मंदिर बना और इस वजह से हिडिम्बा माता जी को पूजा जाता है। मुझे आई एम श्योर आप लोगों को नहीं पता थी ये बात। अब उनके बच्चों की भी स्टोरी बताऊंगा मैं, कि भीम के बच्चे कौन थे जिनको हम सब जानते हैं। हम सब बोलते हैं हरे राम का सहारा, बाबा श्याम हमारा, बट हमें नहीं पता वो कौन है। गूगल करना आपको पता लग जाएगा। उनका कनेक्शन सीधे महाभारत के भीम के साथ में। नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगा मैं आपको।